डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 2। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। यानी कि यहां पर हमें दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं और हमें ऐसा बोला है कि हमें सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और यह चेक करना है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो ये कैसे चेक हो सकता है? तो डिवीजन करने से अगर रिमाइंडर जीरो बचे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अभी देखिए, यहां पर हमें सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना था, यानी कि सेकेंड पॉलिनोमियल क्या होगा? हमारा डिविडेंड। और फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या होगा? हमारा डिविजर। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पर डिविडेंड है 2t^4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। ठीक है, और यहां पर हमारा डिविजर है t² माइनस 3। ओके, अभी हमें डिविडेंड में देखना है कि t के हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, तो वो है 2t^4। और उसके बाद हमें देखना है डिविजर में t के हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, तो वो है t². ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, तो t² को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमें 2t^4 मिल पाए। तो अगर हम t² को 2t² से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2t^4 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 2t². ठीक है, सो t² इनटू 2t², तो ये हो जाएगा 2t^4। नाउ माइनस 3 इनटू 2t², तो ये हो जाएगा माइनस 6t². ठीक है, अभी देखिए, यहां पर जो सेकेंड टर्म था वो तो t³ वाला टर्म था और यहां पर हमें t² वाला टर्म मिल रहा है, तो उसे हम यहां पर नीचे नहीं लिखेंगे बल्कि यहां पर जो t² वाला टर्म है उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, सो माइनस 6t². अभी हम इन टर्म्स को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस, सो 2t^4 माइनस 2t^4 कैंसल, ऊपर से 3t³ एज इट इज माइनस 2t² प्लस 6t², तो ये हो जाएगा 4t², ऊपर से माइनस 90 माइनस 12 एज इट इज। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, t² को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिससे हम 3t³ ला सके। तो अगर t² को 3t से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें 3t³ मिल सकता है, सो यहां पर लिख लेते हैं प्लस 3t, सो t² इंटू 3t, ये हो जाएगा 3t³। ओके, नाउ माइनस 3 इंटू 3t, तो ये हो जाएगा माइनस 9t। तो देखिए, यहां पर सेकेंड टर्म t² वाला टर्म है लेकिन यहां पर हमें t वाला टर्म मिल रहा है, तो यहां पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, t वाले टर्म के नीचे ही से लिखेंगे। ठीक है, सो माइनस 9t। अभी हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को इसमें से माइनस कर देते हैं, सो यहां पर माइनस माइनस प्लस, तो देखिए यहां पर 3t³ माइनस 3t³ कैंसल, ऊपर से 4t² एज इट इज माइनस 90 प्लस 90 कैंसल, ऊपर से माइनस 12 एज इट इज। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या करना है कि t² को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमें 4t² मिल पाए। तो अगर हम t² को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 4t² मिल जाएगा। ठीक है, सो यहां पर हम लिख लेंगे प्लस 4, सो t² इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4t² माइनस 3 इंटू 4, तो माइनस 12। अभी हमें क्या करना है, इन टर्म्स को इसमें से माइनस कर देना है, सो यहां पर आएगा माइनस, यहां पर माइनस माइनस प्लस, सो 4t² माइनस 4t² कैंसल, माइनस 12 प्लस 12 कैंसल, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा, जीरो। सो हम क्या लिख सकते हैं, एज
रिमाइंडर इज इक्वल्स टू जीरो, वी कैन से दैट टी स्क्वायर माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ टू टी रेस टू फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइनटी माइनस ट्वेल्व। ठीक है, अभी देखते हैं सेकेंड। यहां पर देखिए डिविडेंड में क्या है, थ्री एक्स रेस टू फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, और डिविजन में क्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, अभी डिविडेंड में देखिए एक्स के हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, तो वो है थ्री एक्स रेस टू फोर, और डिविजन में एक्स के हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है तो वो है एक्स स्क्वायर। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमें थ्री एक्स रेस टू फोर मिल पाए। तो अगर एक्स स्क्वायर को हम थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें थ्री एक्स रेस टू फोर मिल सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 3x square, so x square into 3x square ये हो जाएगा 3x raised to 4, now 3x into 3x square, so plus 9x cube and 1 into 3x square, so plus 3x square। अभी हम इन टर्म्स को इसमें से माइनस कर देते हैं, so 3x raised to 4 minus 3x raised to 4 cancel, 5x cube minus 9x cube minus 4x cube minus 7x square minus 3x square, so minus 10x square plus 2x plus 2 ऊपर से आएगा as it is। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, x square को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमें minus 4x cube मिल सके। तो अगर x square को हम minus 4x से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें minus 4x cube मिल सकता है। तो यहां पर ऊपर हम लिख लेते हैं minus 4x, so x square into minus 4x minus 4x cube, 3x into minus 4x minus 12x square, 1 into minus 4x minus 4x। अभी हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को इसमें से माइनस कर देते हैं, so minus minus plus minus minus plus minus minus plus, so minus 4x cube plus 4x cube cancel, minus 10x square plus 12x square, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x ऊपर से प्लस 2 एज इट इज। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या करना है, तो x स्क्वायर को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमें 2x स्क्वायर मिल पाए। तो अगर हम x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 2x स्क्वायर मिल सकता है, सो यहां पर ऊपर हम लिखेंगे प्लस 2, सो x स्क्वायर इंटू 2 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 2 प्लस 6x प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, अभी हम इन टर्म्स को इसमें से माइनस कर देते हैं, सो माइनस माइनस माइनस, सो 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, तो यहां पर रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, सो एज रिमाइंडर इज इक्वल्स टू जीरो वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ थ्री एक्स रेस टू फोर प्लस 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2। ठीक है, now next third, यहां पर हमें dividend में दिया है x raised to 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1,
ठीक है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म है एक्स रेस टू फाइव, यानी कि एक्स की फाइव पावर दी है, और जो सेकेंड टर्म है उसमें एक्स की थ्री पावर दी है, यानी कि यहां पर एक्स की फोर पावर वाली टर्म मिसिंग है, तो उसे तो हमें लिखना ही है, लेकिन उसका कोएफिशिएंट हम क्या लेंगे, जीरो। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को रीअरेंज करके लिख रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा एक्स रेस टू फाइव प्लस जीरो एक्स रेस टू फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, और डिविजर में क्या है, तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, अभी डिविडेंड में देखिए x के हाईएस्ट पावर वाला टर्म है x रेस टू फाइव, और डिविजर में x के हाईएस्ट पावर वाला टर्म है x क्यूब। ठीक है, तो हमें x क्यूब को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिससे हम x रेस टू फाइव ला सके। तो अगर x क्यूब को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाए तो x रेस टू फाइव आ जाएगा, तो यहां पर हम लिख लेते हैं x स्क्वायर, सो x क्यूब इंटू x स्क्वायर हो जाएगा x रेस टू फाइव। नाउ माइनस थ्री एक्स इंटू x स्क्वायर, तो वो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स क्यूब। यहां पर सेकेंड टर्म एक्स रेस टू फोर वाला टर्म है, लेकिन यहां पर हमें माइनस थ्री एक्स क्यूब यानी कि एक्स क्यूब वाला टर्म मिल रहा है, तो उसे हम यहां पर नहीं लिखेंगे, उसे हम एक्स क्यूब वाले टर्म के नीचे ही लिखेंगे। सो माइनस थ्री एक्स क्यूब, नाउ वन इंटू एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हम इन टर्म्स को इसमें से माइनस कर देते हैं, सो यहां पर माइनस, यहां पर माइनस माइनस प्लस, यहां पर माइनस, सो एक्स रेस टू फाइव माइनस एक्स रेस टू फाइव कैंसल, जीरो इंटू एक्स रेस टू फोर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जीरो ही है। ठीक है, माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, ऊपर से प्लस थ्री एक्स प्लस वन एज इट इज। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या करना है, एक्स क्यूब को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि माइनस एक्स क्यूब मिल सके। तो अगर एक्स क्यूब को हम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस एक्स क्यूब मिल जाएगा, तो यहां पर हम लिख लेंगे माइनस वन, सो एक्स क्यूब इंटू माइनस वन माइनस एक्स क्यूब, माइनस थ्री एक्स इंटू माइनस वन प्लस थ्री एक्स प्लस वन इंटू माइनस वन माइनस वन। ठीक है, अभी हम इन टर्म्स को इसमें से माइनस कर देते हैं, सो यहां पर माइनस माइनस प्लस, यहां पर माइनस माइनस प्लस, सो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसल, प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स कैंसल, वन प्लस वन टू। ठीक है, अभी देखिए आगे डिवीजन नहीं हो पाएगा और यहां पर रिमाइंडर हमें जीरो नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। So, हम यहां पर लिखेंगे एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स रेस टू फाइव माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।